The power of now. Now, NOW. What do we understand by this word? यदि हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, नाउ मीन्स अभी, इस पल में, राइट? नाउ, प्रेजेंट मोमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ये पल, प्रेजेंट मोमेंट, नाउ, अभी, जो वर्तमान पल है, हम अभी, वर्तमान अभी, जो हम कर रहे हैं, दैट इज नाउ, ओके? आज हम इसके बारे में, इसके पावर के बारे में बात करेंगे, इस वर्तमान पल के पावर के बारे में. वी डोंट रियलाइज इट दैट बट द प्रेजेंट मोमेंट नाउ इट हैज ऑल द पावर. सारी शक्ति जो है ना वो इसी पल में है, मगर हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हम या तो पास्ट में रहते हैं और या फ्यूचर में रहते हैं. राइट, एग्री विथ मी एवरीवन? राइट नाउ व्हाट आर वी डूइंग एवरीवन? वी आर ऑल इन अ जूम मीटिंग, राइट, टुगेदर. इस पल में हम एक जूम मीटिंग में हैं, मगर आप में से एक जन ऑनेस्टली बताइए, आपके मन में अभी क्या चल रहा है? मन में अभी क्या थॉट है? ऑनेस्टली बताइए. अभी यही है, सबको अभी यही है. कोई हाँ यही है, मैं तो यही हूँ 100%। पास्ट में नहीं, तो मैं कुछ नहीं है. ग्रेजुएशन तो के लिए सोच तैयार रहे हूँ। हैं नहीं अभी आज डिनर में क्या बनाना है, किसके मन में ये थॉट है? ऑनेस्टली नहीं बताइए. वो नहीं, नहीं है, या फिर नहीं। पास्ट, अभी एक्सरसाइज फिनिश हुआ उसके बारे में कुछ थॉट है? नहीं. चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है. दैट मीन्स आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए आप हाँ प्रेजेंट. यस बिल्कुल पर बिल्कुल ये 100%। दादी हमने तो बताइए, आप सैकड़े लोगों ने महसूस तो किया होगा ना कि नॉर्मली हमारा मन, तो एक जन बताइए कि आपका मन जो है वो नॉर्मली कहाँ रहता है, पास्ट में ज्यादा रहता है या फ्यूचर में ज्यादा रहता है? चलिए ये तो बताइए सोच के. आप अनम्यूट करके, उषा जी आप म्यूटेड हो ना, एक बार अनम्यूट करिए फिर बोलिए. तब तक रजिया जी आप बोलिए. फ्यूचर फ्यूचर में रहता है, फिकर में रहता है, राइट. रहती है फ्यूचर की। हाँ, क्या होगा? अभी हाँ अभी है, ठीक है, ओके ओके अभी सुन रहा है, बोलिए. जी। मैंने पूछा कि आपका मन ज्यादा पास्ट में, आपने गौर किया होगा कभी कि पास्ट में ज्यादा रहता है या फ्यूचर में? ज्यादा बोले तो पास्ट में रहता है, लेकिन प्रेजेंट में रहने की फ्यूचर आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से, ज्यादा ब्रेक नहीं। हो रही है. एनीवे, कोई बात नहीं. तो आप लोग समझ गए कि हम नॉर्मली, हमारा मन प्रेजेंट में बहुत कम रहता है, हम चाहे अभी होंगे, मगर मैं खुद के लिए भी बोलती हूँ कि अभी मैं आपसे बातें कर रही, पर कभी कभी मन कुछ और सोचने लगता है. अभी भी सोचने लगता है कि नेक्स्ट, अभी कोई आने वाला है या कोई डिलीवरी आने वाली है या बेल बजने वाली है, वो ध्यान वही रहता है. हम प्रेजेंट में रहना बहुत डिफिकल्ट है, मगर प्रैक्टिस से ये हो सकता है, प्रैक्टिस से ये हो सकता है. मगर अब हम पहले जानेंगे कि वो हम क्यों पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, क्योंकि पास्ट से ही हमारी पहचान होती है, हम अपने आप को पास्ट से ही परखते हैं. आई वॉज लाइक दिस सो आई एम लाइक दिस, माई पर्सनैलिटी वॉज लाइक दिस सो आई एम लाइक दिस, या मेरे साथ ऐसा हुआ इसीलिए आज मैं ऐसी हूँ, राइट राइट? तो हम अपने आप यस को परखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट. वी थिंक दैट द पास्ट में जैसे हम थे इसीलिए हम आज ऐसे हैं. और सेकेंडली, वी आर ऑलवेज इन द फ्यूचर बिकॉज फ्यूचर से हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो काम अभी नहीं हुआ शायद फ्यूचर में हो जाएगा.
आज मेरी तबीयत से बराबर नहीं है, कल ठीक हो जाएगी, या आज मौसम अच्छा नहीं है, कल अच्छा हो जाएगा। ये होप रहता है, ये हमारे अंदर हर समय एक आशा रहती है कि फ्यूचर विल बी बेटर देन प्रेजेंट। यदि प्रेजेंट में कभी भी कुछ होता है तो हमें लगता है फ्यूचर विल बी बेटर, और इट इज राइट ओनली। हम बोलते हैं ना, दिस टू शैल पास, सो व्हाट इज दैट? इट इज अ होप दैट दिस डिफिकल्ट टाइम विल पास एंड द फ्यूचर विल बी गुड, राइट? बट एक्चुअली बोथ पास्ट एंड फ्यूचर का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं, दे हैव नो आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, दे आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट ओनली। क्योंकि प्रेजेंट वो एक भ्रम है कि हम पास्ट के अनुसार ही हम आज ऐसे हैं, नहीं, आज हम जो हैं वो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम पास्ट के कारण ही ऐसे हैं, और फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर तो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सीन व्हाट इट इज, सिर्फ हमें होप दिलाता है। वो होप कभी कभी ट्रू हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता। तो हम अपनी एनर्जी क्यों पास्ट और फ्यूचर में वेस्ट करें? इस चक्कर में नॉर्मली क्या होता है, वी लूज द प्रेजेंट मोमेंट, वी डोंट एंजॉय द प्रेजेंट, बिकॉज वी आर आइदर लिविंग इन द पास्ट और वी आर लिविंग इन द फ्यूचर, एंड द प्रेजेंट इज लॉस्ट। वो जो एक अपना एक गाना है, वो एकदम एप्ट है अपने इस टॉपिक के लिए, आप लोग सबने सुना होगा, जिसके वर्डिंग्स हैं, आगे भी जाने ना तू, पीछे पीछे आने ना तू। आगे हम नहीं जानते हैं क्या होगा और पीछे क्या हुआ वो भी हमें नहीं पता, जो भी है बस यही एक पल है। सो ऑल द पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, नाउ, अभी इस पल में ही सब कुछ है, तो हमें इस पल को एंजॉय करना है। मैक्सिमम टाइम्स हम लोग इस पल को एंजॉय नहीं करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, या पास्ट में जो हुआ उसके बारे में एंग्जाइटी रहती है, या गुस्सा आता रहता है, कभी कभी गिल्ट होता है, जो भी फीलिंग्स होती हैं कि अरे हमने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया पास्ट में, उन सब में हम उलझे रहते हैं, और या फिर फ्यूचर की चिंता से, या अच्छी बातों से कि फ्यूचर में ऐसा होगा, मगर अभी जो हम कर रहे हैं उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते फुली। तो शक्ति उसी में है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि जस्ट जस्ट एज अभी जो सूर्य भगवान है, सन, राइट, द सन एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द स्टार्स एंड द मून। ये हम सबको पता है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, तारों की भी अपनी कोई रोशनी नहीं, चंद्रमा और तारे सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते, तभी रात में वो दिखते हैं, दिन में सूर्य दिखता है, सूर्य की रोशनी रात में उनके थ्रू हमें दिखती है, राइट? वैसे ही पास्ट और फ्यूचर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट, प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है और प्रेजेंट से ही पास्ट याद आता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में हम पास्ट को याद करते हैं, राइट? इसीलिए हमें इस शक्ति को, इस पावर को डेवलप करना है, इस पावर को डेवलप करना है हर पल ध्यान रखते हुए, अवेयरनेस के साथ हमें अपने आप को वापस प्रेजेंट में लाना है, कि अरे हम इस पल में क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और उसको एंजॉय करें, क्यों हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं? कहते हैं ना, किसने देखा है कल, आज तो जी ले अच्छे से। तो ये सब जो लाइंस हैं वो इसीलिए बनी है कि लेट अस बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट नाउ टुडे वी आर फिट, वी आर हेल्दी, एवरीथिंग इज फाइन, लेट अस जस्ट एंजॉय दैट। लेट अस नॉट थिंक कि फ्यूचर में व्हेन वी ग्रो ओल्ड व्हाट विल हैपन, हमारे बच्चे हमें कैसे ट्रीट करेंगे, या हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारा हेल्थ कैसा होगा, वो सब सोचना ही नहीं, क्योंकि तो हमें नहीं पता क्या होना है, और उस सोच के कारण हम अपने अभी जो हम फिट हैं, वी आर स्पॉइलिंग दैट टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। हमें इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है, और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं, अब वो आपको बताती हूँ कि जब हम अपने मन को, मन में आने वाले विचारों को,
अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को यदि हम एक विटनेस की तरह देख सकें तो हम प्रेजेंट में रह पाए। विटनेस की तरह मतलब एक दृष्टा भाव से, व्हाट वी से कि सपोज अभी आप बैठे हैं, आप एक सेकंड पॉज लीजिए और अपने आप को पूछिए अभी मेरे मन में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, या अभी मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, व्हाट फीलिंग्स आर कमिंग इन मी, हाउ आर माई फीलिंग राइट नाउ, व्हाट आर द थॉट्स कमिंग इन साइड माई माइंड, ये सब यदि हम करते रहते हैं तो हम वापस प्रेजेंट में आ जाते, क्योंकि हम नॉर्मली हमारे थॉट्स ही तो भागते हैं ना फ्यूचर में या पास्ट में, और हमें पता ही नहीं चलता है, हम बह जाते हैं। तो यदि हम एक दूर से देखें अभी मेरे अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं, ओके कम बैक टू द प्रेजेंट, तो ये एक्सरसाइज यदि हम करते रहें तो वी कैन ऑलवेज रिमेन इन द प्रेजेंट, और रिमेनिंग इन द प्रेजेंट विल हेल्प अस अवॉइड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन आवर लाइफ। लिविंग इन द पास्ट एंड फ्यूचर इज द रीजन फॉर ऑल आवर स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस का कारण ही है क्योंकि हम पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। एग्री करते हैं आप लोग, है ना? तो चलिए अब हम यही कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को करके मेडिटेशन के थ्रू भी, और अपना हर समय अपनी अवेयरनेस को बरकरार रखते हुए, वी शुड ट्राई टू ब्रिंग आवर सेल्व्स बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। व्हेन वी आर अवेयर ऑफ आवर थॉट्स देन वी कैन कम, और ये होता है प्रैक्टिस, एक दिन में नहीं होगा, मगर अगर हम ध्यान रखेंगे बार बार कि हमारे अंदर क्या अभी थॉट्स चल रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, तो हम रियलाइज करेंगे कि देखिए वापस हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और जितना हम प्रेजेंट में आ पाएंगे हमारे अंदर एनर्जी आएगी, जो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, आगे भाग जाते हैं या पीछे चले जाते हैं, तो हमारी बहुत एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। वी विल फील मोर एनर्जेटिक इफ वी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज द पावर ऑफ नाउ। अभी में रहने का यही फायदा है कि हमारे अंदर एनर्जी डबल हो जाती है यदि हम अभी में रहें, तो हम यही कोशिश करेंगे जितना अपने आप को वर्तमान पल में रख सके, प्रेजेंट मोमेंट में, राइट? तो चलिए अब हम मेडिटेशन भी करते हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे अपने वर्तमान पल में अपने आप को रखने का। एवरीवन प्लीज गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन। अपने अपने प्लेस में कंफर्टेबल हो जाए, चश्मे उतार लें, जेंटली क्लोज योर आईज। Bring your attention to your body, become aware of your body, अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपनी बॉडी पर ले आए। You have taken this time out for yourself from your daily routine activities. You have taken out some time to be with yourself. Allow yourself to be fully in the present moment. Become aware of your body.
now take three long and deep breaths, inhaling from the nose, exhaling from the mouth. Now bring your attention to your normal, natural, soft and tranquil breath. As you observe, each breath entering your nostrils. Inhale and exhale. When we are observing our breath, we are not doing anything. We are just watching our breath like a witness. एक दृष्टा की तरह साक्षी भाव से हम अपनी सांसों को देखते हैं, अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए. As we do this, we are fully in the present moment. Now, focus on every part of our body. Observe the upper part of your forehead, how are you feeling when you look at your forehead as a witness? You are not doing anything. You are just observing. Observe your eyes. Take your attention to the back of your head. क्या फील कर रहे हैं आप? Is your head heavy? Or is it light? Just watch. Now bring your attention to your nose. And as you breathe in and you breathe out, feel the sensation in your nostrils. In this moment, observe your ears. आसपास की सभी आवाजों को सुने जो आपके कानों में पड़ रही है. अपने मुख पर ध्यान लाएं. हाउ आर यू फीलिंग इन योर माउथ इन दिस मोमेंट? Have you ever observed
Observe your jaw, your tongue. Now take your attention to your throat and your shoulders. Your hands, right up to your fingers. Feel करें आपके finger tips पर जो sensation हो रहे हैं इस पल में. Bring your attention to your heart. Feel the heartbeat. Your heart is beating. That is a sign that you are living. Hamari dil ki dhadkan hamesha अभी यानी इस पल में ही रहती है और हमें बताती है कि हम जी रहे. उस दिल की धड़कन को महसूस करें. ऑब्जर्व योर लंग्स, how they are expanding and contracting with your breath. Take your attention to your stomach. And observe how your stomach is digesting your food. Every moment, the stomach is working. इस पल में भी हमारा पेट अपने काम में लगा. Now bring your attention to your back, your spinal cord. How is it feeling in this moment? इस पल में आपकी पीठ कैसा महसूस कर रही है? Bring your attention to your pelvic region and down to your legs. Observe how your legs keep you in the present moment when you are walking or you are running. You are now aware of your whole body in the now. आप इस पल में अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक हैं.
और जब हम शरीर के प्रति जागरूक होते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति भी जागरूक रहते हैं। इफ वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर बॉडी इन एवरी मोमेंट, वी कैन ऑल्सो बी अवेयर ऑफ आवर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। ध्यान अपनी सांसों पर लाएं, महसूस करें कैसे हर सांस के साथ आपका मन और शरीर रिलैक्स हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको इस पल में जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट हैं? फील करें इस पल को, इस वर्तमान पल को। अपनी ब्रीदिंग को महसूस करें यहां और अभी में। अपने आप से कहें, आई एम हियर नाउ, मैं यहां हूं अभी। आई एम हियर इन दिस मोमेंट, मैं यहां हूं अभी और इस पल में। यह एक ही पल है, यहां और अभी। अपने आप को फील करें, अपनी दिल की धड़कन को फील करें, अपनी आती जाती सांसों को फील करें। यदि आपका मन भागे तो अपने आप से पूछें, क्या मैं सांस ले रही हूं? तुरंत ही आप वापस इसी पल में आ जाएंगे। यही एक पल है जो सब कुछ है, जो जीवन की सच्चाई है। पास्ट को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान ही हमारे जीवन की सच्चाई है। इन शब्दों को अपने भीतर गहराइयों में उतर जाने दें, हर सांस के साथ। धीरे धीरे हम लौट कर आएंगे अपने कमरे में। तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। फाइव फोर थ्री टू वन एंड जीरो।